नमस्कार, मैं हूं राजेश पांडे। आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। नारद मीडिया की स्टूडियो में इस समय हमारे साथ प्रबुद्ध व्यक्ति डॉक्टर अशोक प्रेमवत सर हैं। आप जेडे इस्लामिया कॉलेज में हिंदी के वरीय प्राध्यापक हैं। अशोक सर से आज हम चुनाव पे चर्चा करेंगे, और वो चुनाव जो अब भारत की दशा और दिशा को तय कर रहा है। चुनाव समाप्त हो गए हैं, हम उन 5 राज्यों में नहीं जाएंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश हम चलते हैं, सीधे उत्तर प्रदेश चलते हैं। अशोक सर, आपसे कुछ प्रश्न पूछने के पहले मैं थोड़ा उत्तर प्रदेश के बारे में आपको बता दूं। उत्तर प्रदेश में जो ये चुनाव 2022 हुआ है, ये 18वीं विधानसभा के लिए चुनाव हुआ है। इस चुनाव में कुल 7 चरण में मतदान हुए हैं। पहला चरण 10 फरवरी को और अंतिम चरण आज यानी 7 मार्च को। 10 तारीख को औपचारिक रूप से मतगणना हो जाएगी, परिणाम निकल जाएंगे। इस बार 15 करोड़ मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया है। आंकड़ा आने अभी बाकी हैं कि कुल मिला के अभी तक कितने लोगों ने वोटिंग किया है, उसका प्रतिशत क्या है। इस बार बहुत छिटपुट घटनाएं, ना के बराबर घटनाएं हुई हैं। इसके लिए भारत के निर्वाचन आयोग की जरूर तारीफ करनी होगी, क्योंकि निर्वाचन आयोग इतना सफल चुनाव देश के सबसे बड़े राज्य में, जहां की आबादी 25 करोड़ है, 75 जिले हैं, और एक छोर से दूसरे छोर की लंबाई 1000 किलोमीटर है, और यहां पर निर्वाचन आयोग की भूरी भूरी प्रशंसा करनी पड़ेगी कि उन्होंने लगभग 2-2.5 महीनों में और इतना अच्छा चुनाव वहां पे कराया है। अशोक सर, इस बार जो 2022 का चुनाव, उसमें प्रमुख बातें क्या थी? देखिए, हर चुनाव उस राज्य की भविष्य दिशा दशा तय करता है, लेकिन उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ की राजनीति सबसे अधिक केंद्रीय राजनीति को प्रभावित करती है, उसका भविष्य तय करती है। प्रकारांतर से हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के चुनाव देश की राजनीति का भविष्य तय करने वाला होता है, इसलिए वह सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। निश्चित रूप से चुनाव आयोग ने जितना अच्छा प्रबंधन किया है उसकी प्रशंसा योग्य है, लेकिन यह कहने में भी हमें संकोच नहीं है कि भारतीय जनमानस पिछले दशकों के जो उतार चढ़ाव और एक दौर देखा है चुनाव ने, उससे ये जनमानस उभर चुका है। जो एक उपद्रव, एक हिंसा, या एक 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 जाति की लड़ाई है, या एक एक द्वेष है, या धार्मिक उन्माद है, तरह तरह की जो वर्जनाएं रही हैं, दूरियां रही हैं, सामाजिक ताने बाने में जो तनाव रहा है, वो तनाव स्पष्ट व्यक्त होता था बूथों पर। अब ऐसा नहीं है। हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये लोकतंत्र की एक सक्षम होने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा और है, जो हमारी मेच्योरिटी को, हमारी परिपक्वता को प्रदर्शित करता है। जो हम बार कहते हैं कि हमारा लोकतंत्र परिपक्व हो रहा है, सुदृढ़ हो रहा है, उसकी एक वानगी इस बार देखने को मिली है। दूसरी चीज ये दिख रही है कि हम लाख का हैं, कि हम बटे हुए हैं जातियों में, धर्मों में, तमाम तरह की ऐसी वर्जनाओं में विभाजित हैं, लेकिन चुनाव कहता है कि विकास हो और समर्थ और सक्षम नेतृत्व हो, तो आम जनता इन सड़ी गली मानसिकताओं से ऊपर उठकर वोट करती है। ये बताने जा रहा है उत्तर प्रदेश का चुनाव कि हम उन सब जिसकी आशंकाएं और संभावनाएं समय समय पर व्यक्त करते रहे हैं, पिछले वर्षों में देखते आए हैं, उन सब चीज़ों से आम जन का ने चित्तवृत्तियों में बदलाव हुआ है।
अशोक सर, मैं आपको बता दूं कि ये जो विधानसभा है उत्तर प्रदेश का विधानसभा, इसमें कुल 403 सीटें हैं, 202 जिन्हें बहुमत आ जाएगा वो सरकार बना लेंगे। अब मैं आपको पीछे ले चलता हूं, जो 2017 का चुनाव हुआ था, 2017 का जो चुनाव हुआ था उसमें भाजपा ने न भूतो न भविष्यति जैसा उन्होंने कमाल किया था, और उन्होंने 312 सीट, 403 में से 312 सीट उन्होंने जीता था, और लगभग 40% 39.67% उन्होंने जो वोट प्रतिशत है उसको उन्होंने इकट्ठा किया था। दूसरे स्थान पर सपा रही थी, समाजवादी पार्टी रही थी, जिन्हें 47 सीटें मिली और वो 21.82% वोट लिया था। तीसरे नंबर पर बहुजन समाजवादी पार्टी रही, जिसे 19 सीट मिला था और उसके वोटिंग परसेंटेज में कोई तब्दीली नहीं हुई, 22.23% उसे वोट मिले। और चौथे स्थान पर कांग्रेस थी, जिसे मात्र 7 सीटें मिले और उनकी वोटिंग जो परसेंटेज थी वो 6.25 थी। ये बताइए आप कि जो 7 चरण में चुनाव हुए और उत्तर प्रदेश जो 6 मुख्य रीजन में बटा हुआ है, जैसे हम उसको कह सकते हैं कि पश्चिमी भाग, ब्रज का क्षेत्र, कानपुर का पूरा संभाग, अवध का पूरा भाग, और पूर्वांचल यानी गोरखपुर का क्षेत्र, और काशी यानी बनारस का, ये जो 6 क्षेत्र हैं और इनमें जो 7 चरण में ये जो चुनाव हुआ है, इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि ये 7 चरण के जो चुनाव हैं या जो 6 रीजन के जो चुनाव हैं, इन 6 रीजन में अलग अलग बातें मतदाताओं के समक्ष हैं और मतदाता उससे प्रभावित रहे। मैं आपको सबसे पहले ले चलता हूं पश्चिमी क्षेत्र की तरफ, जहां ये माना जा रहा था कि यहां जो किसान आंदोलन है वो काफी व्यापक रहा और एक साल तक भारत की राजनीति को प्रभावित किया, और यहां पर समाजवादी पार्टी और चौधरी अजीत सिंह के बेटे जयंत सिंह की पार्टी का आपस में तालमेल हुआ, वो मिलकर चुनाव लड़े। तो सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि उस क्षेत्र में जो टोटल पश्चिमी क्षेत्र में जो सीटें हैं वो 70 हैं, अब इन 70 सीटों पे जो वोटिंग हुई है, आपको क्या लगता है किधर जो पलड़ा भारी होगा? देखिए, इन 70 सीटों में पिछली बार भारी बहुमत से बीजेपी जगह पाई थी। आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि 5 साल सत्ता में रहने के बाद भी उस सफलता को पुनः सत्ताधारी पार्टी दोहरा पाएगी। सीटों की कमी निश्चित रूप से होनी ही है अब, लेकिन वो इतनी कमी नहीं होगी कि वो बहुमत ना पाए ऐसा लग रहा है। कमी आएगी लेकिन जीत पर असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की आमजन का जो मानस है वह पूर्वी उत्तर प्रदेश से बिल्कुल भिन्न है, पूर्वांचल से बिल्कुल भिन्न है। और वहाँ कुछ प्रगतिशील दृष्टिकोण से भी सोचने वाले लोग हैं। जहाँ तक किसान आंदोलन की बात है, तो किसान आंदोलन मैं नहीं समझता कि आम किसान को द्वेलित आंदोलित करने में सफल रहा है। यह मुट्ठी भर वैसे किसान इसमें शामिल रहे हैं जो आम किसान का प्रतिनिधित्व नहीं करते। पॉलिटिकल स्तर पर उनको चाहे जितना भी बरगलाया गया हो, लेकिन यह समझने में वे भूल नहीं कर सकते हैं कि हमारी हितैषी कौन है और किसके साथ रहने में हमारी भलाई है। इसलिए चुनाव पर उस मुद्दे का व्यापक असर नहीं होगा जहाँ तक मेरा अनुमान है, और जो वोटिंग पैटर्न बता रहे हैं, कमी तो आएगी, सीटों की कमी आएगी, प्रतिशत की भी कमी आएगी, लेकिन उसे जीत पर बहुत असर नहीं पड़ने वाला है। नारद मीडिया जो अपना सर्वे किया है, इस सर्वे के मुताबिक इस 70 सीटों में से भाजपा को 34 सीटें जाती दिखती हैं और 36 सीटें
समाजवादी, भाजपा और कांग्रेस को जाती दिखती हैं। ये नारद मीडिया का जो प्रथम जो क्षेत्र है, पश्चिमी क्षेत्र है, वहाँ आइए आप अशोक सर, हम दूसरे क्षेत्र पे बात करते हैं, वो ब्रज का क्षेत्र है। ब्रज का क्षेत्र यानी मथुरा अलीगढ़ वाले इलाके हैं। इस क्षेत्र में कुल 65 सीटें हैं और 65 सीटों में पिछली बार जो जो वोटिंग हुई थी उस वोटिंग में काफ़ी ज़्यादा सीटें भाजपा को गई थी। इस बार जो ब्रज का जो क्षेत्र है वहाँ पर बहुत ज़्यादा, तो आप ये किसान आंदोलन की बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन वहाँ भी कुछ मुद्दा था जिसकी वजह से मतदाता प्रभावित हुए हैं। आप इस पर प्रकाश डालिए। देखिए, यह जो क्षेत्र है दूसरे चरण में जो संपन्न हुआ, यह मुस्लिम डोमिनेंसी के बहुत सारे ज़िले हैं इसमें आते हैं। रुहेलखंड भी शायद इसी में आता है, अमरोहा, संभल, ये सब जो क्षेत्र हैं वो मुस्लिम मेजॉरिटी के क्षेत्र हैं। तो यह टकराव जो वहाँ रहा है वह यहाँ की ज़मीनी सच्चाई है। आप लाख राजनीतिक आंदोलन चलाते रहें, लाख तरह से लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करें, लेकिन जो दूरियाँ एक बार बन जाती हैं वो पाटती नहीं हैं आम तौर पर। इसलिए पोलराइजेशन का आधार वहाँ अधिकांश जगहों पर काम किया है ऐसा हमारा मानना है। क्योंकि ये द्वितीय चरण में यहाँ चुनाव हुए थे और 9 जिलों की जो 55 सीटें हैं यहाँ पे चुनाव हुए थे 14 फरवरी को। तो लेकिन नारद मीडिया अपने सर्वे से ये आपको बताना चाहता है कि इन जो ब्रज का जो क्षेत्र है इसमें 65 सीटें हैं और इन 65 सीटों में से 49 सीटें जो है वो भाजपा को जाती दिख रही है, 16 सीटें जो है वो सपा, बसपा और कांग्रेस को जाती दिख रही है। संभवतः बुंदेलखंड का क्षेत्र भी इसी में आ जाता है, इसी में आ जाता है। तो ये जो 65 सीटें हैं इसमें से 49 सीटें यानी 2/3 जो सीट है वो भाजपा को जाती दिख रही है। कहीं ना कहीं ये मानना पड़ेगा कि जो मुस्लिम बहुल जिले हैं या मुस्लिम बहुल क्षेत्र है वहाँ पे कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण हुआ है और इसका फायदा भाजपा को जाता दिख रहा है। अब आइए हम आपको तीसरे जो क्षेत्र है उधर आपको लिए चलते हैं। ये कानपुर का क्षेत्र है और ये कानपुर संभाग का क्षेत्र है। इसमें कुल 51 सीटें हैं और यहाँ पे 20 फरवरी को चुनाव हुआ था। 16 इसमें जिले आते हैं और 59 सीटों पे चुनाव हुआ था। कानपुर संभाग में जो ये चुनाव हुआ इसमें जो मुख्य मुद्दा क्या रहा, इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। देखिए, यह क्षेत्र हमें लगता है कि डेवलपमेंट को आगे करके चल रहा है, क्योंकि कानपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों में जो औद्योगिक निवेश है, औद्योगिक जो क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र है और जो गुंडागर्दी का एक जो माहौल बना था उत्तर प्रदेश में, उसका केंद्र कानपुर और लखनऊ के बीच के क्षेत्र थे। तो जहाँ उद्योग आते हैं वहाँ इस तरह की चीज़ें भी आती हैं। और उसमें जो अंतर आया है इन 5 वर्षों में, उस अंतर का एक तरह से ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण वोट में हुआ है। वहाँ के लोगों ने जो सुकून महसूस किया है, जो बदलाव देखे हैं, उस बदलाव का असर वहाँ के वोट पर पड़ सकता है, ऐसा माना जा सकता है। तो नारद मीडिया का ये सर्वे है कि जो कानपुर का जो क्षेत्र है यहाँ कुल 51 सीटें हैं और 51 सीटों में से 39 सीटें भाजपा को जाती दिख रही हैं और 22 सीटें सपा, बसपा और कांग्रेस को,
आपस में मिल रही हैं। एक बार मैं फिर बता दूं, यहाँ तीसरे चरण में मतदान हुआ था, 16 जिलों में 59 सीटें हैं, लेकिन जो ये कानपुर का जो क्षेत्र है, क्योंकि नारद मीडिया ने पूरे उत्तर प्रदेश को 6 भागों में बांटा है, उसमें से जो तीसरा भाग है वो कानपुर का क्षेत्र है, यहाँ पर 51 सीटें हैं और इन 51 सीटों में से 39 सीटें भाजपा को जाती दिख रही हैं और इसमें से 22 सीटें सपा, बसपा और कांग्रेस को जाती दिख रही हैं। अब आइए हम चौथे क्षेत्र की ओर चलते हैं, जो अवध का क्षेत्र है, और अवध का क्षेत्र ये बिल्कुल नेपाल से लगता हुआ तराई है, तो नीचे एकदम इसके मध्य प्रदेश का क्षेत्र आके लगता है। इस जो अवध का जो क्षेत्र है, इसमें कुल 81 सीटें हैं और ये जो है ये बहुत बड़ा सा क्षेत्र है, और इन 81 सीटों के लिए 23 फरवरी को चुनाव हुए थे, 9 जिले हैं, यहाँ भी 59 सीटें हैं। तो अशोक सर, अवध का क्या गणित है, क्या समीकरण है? अवध, यहाँ से हम देखते हैं कि जातिवादी राजनीति कुछ मुखर होने लगती है। अवध, बलरामपुर, गोंडा, अयोध्या, लखनऊ, ये सारे क्षेत्र, लेकिन जिले इसमें आते हैं। इन जातीय राजनीति और जातीय तोड़फोड़ और उथल पुथल के बीच सबसे मजबूत स्तंभ, वहाँ के जनमानस को प्रेरित प्रभावित करने वाला सबसे बड़ा फैक्टर राम मंदिर का बनना है, क्योंकि वहाँ के आर्थिक सामाजिक जीवन में बड़े परिवर्तन का वह स्रोत बन रहा है। वह सिर्फ धार्मिक केंद्र न होकर आसपास के जिलों के विकास का बहुत बड़ा माध्यम बन रहा है और वहाँ की जनता इस चीज़ को देख रही है, इसलिए उसके वोट में सबसे आगे और सबसे प्रधान विषय उसकी चिंतन में वहाँ का विकास होगा और वहाँ के सांस्कृतिक माहौल में जो परिवर्तन आए हैं उन परिवर्तनों को ध्यान में रखकर यहाँ के वोटरों ने वोट किया होगा, ऐसा हम सोच सकते हैं। आपको मैं बता दूं, नारद मीडिया का ये सर्वे है कि यहाँ पर कुल 81 सीटें हैं अवध क्षेत्र में, इन 81 सीटों में 55 सीटें भाजपा को जाती दिख रही हैं और 26 सीटें सपा, बसपा और कांग्रेस को ये जाती दिख रही हैं इन 81 सीटों में से। तो लगभग 81 सीटों में से आधे से ज़्यादा सीटें भाजपा को, 55 सीटें जा रही हैं और 26 सीटें सपा, बसपा और कांग्रेस को जाती दिख रही हैं। आइए अब हम चलते हैं पूर्वांचल की ओर, जिसे गोरखपुर क्षेत्र के रूप में भी कहा जाता है। इस गोरखपुर क्षेत्र में 65 सीटें हैं, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ का भी ये क्षेत्र है, बिहार से भी लगा हुआ क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश से भी लगा हुआ क्षेत्र है। इसमें सबसे बड़ी बात है कुशीनगर भी इसी में आता है। तो इन जगहों पे 65 सीटें हैं, यहाँ पे चुनाव 27 को और 3 मार्च को हुआ है, इसमें कुल 21 जिले हैं और 57 सीटों पर यहाँ मतदान हुआ है। गोरखपुर क्षेत्र में क्या माहौल है, इसमें मऊ जिला भी आता है, क्या स्थिति है? देखिए, जिन क्षेत्रों में आपने बांटा है वो हर क्षेत्र में कोई बड़ी इवेंट या कोई बड़ा व्यक्ति नजर आता है, जिस तरह से अवध में राम मंदिर है, वहां पे कुछ विकास भी तो नजर आता है, जैसे कानपुर क्षेत्र में कानपुर का मेट्रो है और अवध क्षेत्र में राम मंदिर है। यहाँ भी दिखाई देता है कि कुशीनगर में इतना भव्य अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, तो यानी कहीं ना कहीं विकास को भी रखा गया है। यानी विकास फैक्टर है, क्योंकि पूर्वांचल में जब हम आते हैं तो हम मध्ययुगीन दासता जो मानसिक होती है, सड़ी गली जातिवादी सोच का प्रभाव बहुत गहरा है पूर्वांचल के क्षेत्रों में, जातीय अंतर विभाजन बहुत गहरा है और यहाँ से पलायन नहीं पाते हैं, यहाँ से पलायन है, यहाँ के लोग ज्यादातर मुंबई वगैरह में रहते हैं। अपेक्षाकृत मध्य यूपी या पश्चिमी यूपी की अपेक्षा अत्यधिक पिछड़ा है। वो इलाके कहीं ज्यादा समृद्ध है, ये कम समृद्ध है। लेकिन अब के दिनों में यहाँ भी विकास दिखाई देने लगा है। ये
बड़ी, चाहे वो हाईवे हो या हॉस्पिटल हो या इंस्टीट्यूशंस हो या हवाई अड्डे का बनना हो, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जिसको झुठलाया नहीं जा सकता, वो दिख रही हैं और जनमानस और लोगों के जीवन पर उसका प्रभाव भी हो रहा है। हाँ, ये कहा जा सकता है कि बिल्कुल विकास है, क्योंकि उत्तर प्रदेश केवल राज्य में 6 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। हाँ। और एक विश्व स्तरीय हवाई अड्डा बन रहा है, जावर पोर्ट जो है वो नोएडा में। हाँ। उसके बाद आगरा का है, कानपुर का है, लखनऊ का है, बनारस का है, और ये कुशीनगर का है। कुशीनगर, तो ये मानना पड़ेगा कि इस रीजन में भी, इस क्षेत्र में भी एक विकास की बयार काफी कुछ हुआ है, वही है, दिख रहा है। और एम्स जैसे आया है वो यहाँ पे गोरखपुर में। ऐसा नहीं है कि बीजेपी सिर्फ कोरे आश्वासनों और वायदों पर चलने वाली है। जिस अगर वो दावा करती है कि हमने किया है और उस किए के आधार पर हम लोगों के बीच जा रहे हैं और लोगों से हम वोट मांग रहे हैं, तो इसका असर लोगों पर है और होना स्वाभाविक भी है। तो हमें लगता है कि वो ढीली पड़ी है। जातीय समीकरणों के आधार पर राजनीति करने वाले और सत्ता पाने वाले जो समूह हैं छोटे छोटे, वे कमजोर पड़े हैं। धार्मिक द्वेष वगैरह जो है वो कमजोर, ये सब कमजोर पड़े हैं और विकास सबसे प्रधान रहा है। गोरखपुर में जोगी का होना आसपास के क्षेत्रों और इलाकों को प्रभावित करने का सबसे सशक्त और बड़ा कारण बनते हुए दिख रहा है। नारद मीडिया का ये सर्वे है कि जो गोरखपुर का जो क्षेत्र है, जो पूर्वांचल का क्षेत्र है, इसमें कुल 65 सीटें हैं और इन 65 सीटों में से 36 सीटें भाजपा को जाती दिख रही हैं और 29 सीटें सपा, बसपा और कांग्रेस को जाती दिख रही हैं। यानी इन 65 सीटों में से 36 सीटें, आधे सीटें लगभग जो है वो भाजपा को जाती दिख रही हैं, और जो 29 सीटें हैं ये अन्य को, सपा वगैरह को जाती थी। अब अंतिम जो क्षेत्र है, जो छठा क्षेत्र है, इसे हम काशी का क्षेत्र करते हैं। बनारस का प्रधानमंत्री का ये अपना संसदीय क्षेत्र है, इसमें कुल 71 सीटें हैं जिस पर आज इन क्षेत्रों में मतदान हुआ है। यहाँ पर 9 जिले हैं, 9 जिलों के 54 सीटों पर मतदान हुआ है, इसमें कुल 71 सीटें हैं। इन 71 सीटों में क्या प्रभाव पड़ेगा, जो इस बार कॉरिडोर बनाया गया है, काशी विश्वनाथ जी का जो पुनर्धार हुआ है, और जो एक मोदी जी का ये क्षेत्र है, इससे काशी के क्षेत्र में कितना प्रभाव पड़ेगा सुख सर? देखिए, काशी सांस्कृतिक राजधानी है देश की, आज से नहीं, सदियों से, सहस्त्रों वर्षों से, और उसका जुड़ाव पूर्वांचल के एक एक गांव और शहर से है। भावनाओं के स्तर पर, जीवन यापन के स्तर पर, आर्थिक गतिविधियों के स्तर पर काशी सबको प्रभावित प्रेरित करती रही है, और वहाँ से एक शुरुआत जो की गई है, ये मोदी के आ जाने से लोगों में ये सबलता बढ़ी है कि जो बात कही जा रही है वो पूरी होगी, पूरी हो रही है, होती हुई दिख रही है, कार्यान्वित हुई है, जो कमिटमेंट मोदी ने किया 13 में काशी को विकसित करने का, और उसका वह विकसित विकास तो कोई अंतिम स्वरूप होता नहीं है, विकास का कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता है, हर समय विकास की एक प्रक्रिया है, लेकिन वो काशी में दिख रहा है, काशी के आसपास में दिख रहा है, तो इसका विश्वास बढ़ा है और ये विश्वास काशी के समस्त क्षेत्रों पर इसका प्रभाव होगा, वो सिर्फ काशी तक सीमित नहीं रहेगा। नारद मीडिया का ये सर्वे है कि जो काशी क्षेत्र में 71 सीटें हैं, इन 71 सीटों में मोदी जी का असर है, और इसमें से 42 सीटें भाजपा को जाती दिख रही हैं, जो 29 सीटें हैं वो अन्य को, सपा को जाती दिख रही हैं या अन्य को आप देख रहे हैं। ये कुल 6 क्षेत्र थे जिन पर पूरे उत्तर प्रदेश को बांटा गया है। अंतिम में अशोक सर, एक कॉमेंट आप बता दीजिए, वाकई में योगी और मोदी लहर ने उत्तर प्रदेश का कायाकल्प किया है? बिल्कुल, काफ़ी बदलाव है,
जमीनी स्तर पर वो बदलाव दिख रहा है, लोगों ने महसूस किया है व्यक्तिगत जीवन में, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, जीवन यापन में मिलने वाली सुविधाओं की बात हो, या भविष्य की सुरक्षा की बात हो, हर स्तर पर। सबसे बड़ी चीज़ है कि सरकार किसी को व्यक्तिगत तौर पर क्या लाभ हानि देती है ये महत्व का नहीं है। महत्व यह है कि सरकार जो इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध करा रही है, दो आधारभूत संरचनाएं खड़ी कर रही है उसका दूरगामी लाभ वहाँ के जनमानस और वहाँ के आर्थिक गतिविधियों और विकास पर होता है। जैसे बिजली का 24 घंटे मिलना, सड़कों पर सुरक्षित आने जाने की गारंटी, और सबसे बढ़ के जो कानून व्यवस्था में जो उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है, जो ये 5 सालों के अंदर, जैसे लोग बता रहे थे कि उत्तर प्रदेश में यहाँ की कानून व्यवस्था लगता था कभी पटरी पर नहीं लौटेगी, और इन 5 साल के अंदर कानून व्यवस्था में उत्तर प्रदेश ने बहुत लंबी छलांग लगाई। 3 जरूरतें ऐसी हैं जो कोई व्यक्तिगत तौर पर पूरा नहीं कर सकता है, चाहे लाख साधन और संपन्न हो, लेकिन बिजली, सड़क और सुरक्षा, ये 3 चीजें इंडिविजुअल लेवल पर कोई हासिल नहीं कर सकता है लाख प्रयास के बाद भी। जब भी बनेगा और मिलेगा तो वो सरकार के जरिए ही मिलेगा। ये 3 चीजें, और इन 3 चीजों को ट्रस्ट किया है इस सरकार ने। हमें लगता है कि अगर जीतती है आपके सर्वे के मुताबिक तो इसका श्रेय इन 3 चीजों को है, यानी कि डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश का कायाकल्प किया है। और नारद मीडिया ये आपको बता रहा है कि 403 सीटें में से 255 सीटें भाजपा को जाती दिख रही हैं, 255 सीटें भाजपा को जाती दिख रही हैं, 158 सीटों में सपा, बसपा और कांग्रेस रहेगी। आपको अगले बुलेटिन में कितना किसका प्रतिशत रहा यह बताया जाएगा, और सबसे बढ़ के उत्तर प्रदेश में एक बार फिर योगी जी की सरकार अवश्य बनेगी। 10 तारीख का इंतजार रहेगा औपचारिक रूप से परिणाम का, लेकिन एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार आ रही है। हम ये कहना चाहेंगे कि देखिए, बीजेपी के आने के पीछे एक और भी बहुत बड़ी वजह है, उससे जिसका मुकाबला है वो व्यक्तिगत पार्टियां हैं, और व्यक्ति की अपनी सीमाएं हैं। परिवार की पार्टी, चाहे वो मायावती हो या अखिलेश हो, वो व्यापक जनाधार उन्होंने खो दिया है, क्योंकि एक व्यक्ति की सीमा होती है, वो संगठन नहीं है। उस व्यक्ति के प्रभाव के बढ़ते घटते के साथ वो गति चलती है, और एक ही व्यक्ति अस्थायी तौर पर ऐसा चल नहीं सकता, जैसा कि कांग्रेस का हाल है, जैसा कांग्रेस का हाल हो गया है। और जबकि भाजपा एक व्यापक जनाधार वाली पार्टी इसलिए है कि उसमें बहुत विविधता भरे लोग हैं और बहुत सशक्त और लोग हैं, इसलिए उसका जीवंत होना, आगे की यात्रा करना, ये सारी बातें बहुत महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश के चुनाव में खुलकर आ गई है। तो एक बार नारद मीडिया फिर आपको ये बताना चाहेगा कि 403 सीटों में से योगी जी को 255 सीटें आ रही हैं, 158 सीटों में से समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस आपस में बांटेंगी इसको, और एक बार फिर योगी आदित्यनाथ 18वीं विधानसभा का गठन करेंगे और वो एक बार फिर मुख्यमंत्री के रूप में उनकी ताजपोशी होगी। अशोक सर, आप स्टूडियो में आए, इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद नारद मीडिया को।